हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल के लिए एक लोगो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये YouTube के लिए जब आप एडसेंस के अप्रूवल लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर जो इस तरीके का कुछ लोगो दिख रहा है जो कि बहुत ही अजीब है, तो मैं यहाँ पर अब एक प्रोफेशनल लोगो तैयार करूँगा। मैंने बैनर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे आप देख लें, ठीक है। ये देखिए ऊपर मैंने लगा रखा है। तो अब मैं बनाऊंगा द इंडियन ऑफिसर के ऊपर एक लोगो जो कि बहुत ही सुंदर होगा। आप भी जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो इस लोगो को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक चाहिए एप्लीकेशन जिसका नाम है पिक्सल लैब। जैसा कि आप सभी ये देख सकते हैं, यह है पिक्सल लैब और इसकी जो इंटरफेस है वो इस तरीके का दिखता है, और मैं इससे ज़्यादातर यूज़ करता हूँ लोगो के लिए जो कि बहुत ही प्रोफेशनल इससे तैयार होता है। तो ये इस तरीके से दिखेगा जब आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। आप इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आए कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि यूजेस बहुत ज़रूरी है। आप डाउनलोड कर लेंगे बट आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर 3 डॉट्स देख सकते हैं, इस 3 डॉट पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद आपको आना है इमेज साइज। इमेज साइज यहाँ पे आपको कई तरह के दिख जाएंगे, स्क्वायर, कस्टम, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्ले कवर और ट्विटर हेडर साइज। तो मैं यहाँ पे लूँगा स्क्वायर क्योंकि मुझे चाहिए इमेज, और ये हो गया हमारा स्क्वायर साइज। मैं कलर यहाँ पे करना पसंद करूँगा, या आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं अगर आपको कहीं और इसे यूज़ करना है तो। तो ट्रांसपेरेंट एक्चुअली जो आपका यूज़ होता है वो होता है आपके वीडियो के ऊपर। अगर आप वीडियो में पूरे अपने वीडियोस के अंदर अपने एक चाहे यूज़ करना ट्रांसपेरेंट लोगो तो वो कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट में, बट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कलरफुल, या तो मैं येलो ले लेता हूँ बट मुझे नॉर्मल चाहिए वाइट में, तो मैं वाइट यहाँ पर कलर रखता हूँ। देन मैं इसे करूँगा क्लिक, और उसके बाद जो है नेक्स्ट मुझे चाहिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेक्स्ट। तो ये है टैक्स, और आप चाहे जैसा भी इसको दे सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो मेरा चैनल है द इंडियन ऑफिसर, तो मैं द इंडियन ऑफिसर टायो, ठीक है, ये मेरा जो है शॉर्टकट है तीनों वर्ड का। तो मैं बाकी आयो यूज़ करूँगा, बहुत बढ़िया लग गया आयो और टीबी, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ ओके। अब इसकी जो साइज़ है वो ऐसे यहाँ से आपसे जो है इंक्रीज नहीं होगा, तो आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आना साइज़ लिखा हुआ है इस पर जो है, इसकी साइज़ को आपको जैसे जितना चाहिए आपको उतना आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको और बड़ा कर लूँगा, इतना कम से कम चाहिए मेरे को इस साइज़ में, ओके। देन अब इसकी हम चाहें तो अकॉर्डिंग जैसा भी आपको चाहिए कलर, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कलर ले सकते हैं। तो मेरे को ये कलर काफ़ी पसंद है तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है मैं इसे कर लूँगा वॉल्ट, साइड में आएंगे यहाँ लिखा हुआ स्टाइल, स्टाइल पे क्लिक करके आप कर देंगे इसे वॉल्ट। वॉल्ट कर दिया, आप चाहें तो इसे इटैलिक भी दे सकते हैं अगर आपको इटैलिक पसंद है, तो मुझे इटैलिक नहीं चाहिए तो मैं इसे ओनली फॉर रखूँगा वॉल्ट। वॉल्ट करके कर दिया ओके। देन अब हमें जो है एक वर्ड और लेना है, वो जो मेरा चैनल का नाम है मैं उसको यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो टी कैपिटल द इंडियन, ओ कैपिटल ऑफिसर्स, द इंडियन ऑफिसर, इसको मैंने किया क्लिक। अब मैं इसको लगा दूंगा इसके जस्ट नीचे, और थोड़ा सा मुझे चाहिए इसकी साइज को इंक्रीज करना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ही इसे यूज़ करना है हमें इतना। आप चाहे इसको ऊपर रख सकते हैं या नीचे, यहाँ चाहे यहाँ तो लगा सकते हैं, बट मेरे को ये यहाँ पर सही लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। और देन हम यहाँ से इसको भी कर देंगे वॉल्ट, लेकिन मुझे जो है इसका जो फॉन्ट है वो चेंज चाहिए, और मैं जो ज़्यादातर फॉन्ट यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा फॉन्ट है। वो फॉन्ट है जैसा कि आप सभी देखते होंगे नोट के ऊपर जो लिखा रहता है जिस वर्डिंग में, वो वाला वर्ड मेरे को काफ़ी बेटर और बहुत ही प्रोफेशनल वर्ड लगता है, बट यहाँ पर वो वर्ड नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी हमें अच्छा लगता है हम उसे यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट रेगुलर राउंड रेगुलर यूज़ करने वाला हूँ, तो ये कर लिया इसे यूज़। अब मैं इसका भी कलर दे दूंगा, और कलर है हमारा इसमें यूज़ किया। अब इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डिज़ाइनिंग में हम क्या करेंगे, IoT का जो है सबसे पहले हम जाते हैं
फॉन्ट ये सब दे चुके हैं, बैकग्राउंड अगर आप देना चाहो तो आप यहाँ से बैकग्राउंड ऑन कर सकते हो अगर आपको चाहिए, बट मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो अब मैं जाऊँगा इसे 3D में बनाऊँगा। सबसे पहले मैं इसे एक स्टॉक कलर देता हूँ। स्टॉक कलर में आप जैसा चाहें वैसा दे सकते हैं, तो मैंने स्टॉक में ये कलर इतना रखा है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा इसमें थोड़ा शैडो, तो शैडो आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लैक यूज़ करने के लिए जो है आपको इनके कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है ताकि वो अच्छा लगे। तो ब्लैक यहाँ पे शो नहीं कर रहा सही से, तो मैं स्टॉक में है जो कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो ठीक है। मैं नीचे वाले में कलर को कुछ और ले लूँगा, ठीक है। तो अब मैं शैडो करता हूँ ब्लैक, फुल ऑफ ब्लैक, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट ब्लैक है नॉर्मल साइज़ में, बट नॉर्मल नहीं रखना मेरे को, ये कर दिया मैंने थोड़ा सा। अब मैं इसे करता हूँ आउटर ग्लो, जो हमारा साइज़ है वो थोड़ा ग्लो होगा। आप इसकी जो है शैडो को जहाँ चाहें वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, तो इतना मैंने इसको किया है। देन ऑफ साइड में थोड़ा सा रखा है, देन कर दिया ओके। अब जाएंगे हम इनर शैडो, इनर शैडो के इनेबल कीजिए, और मैं इसे रखूँगा ब्लू। ब्लू में इसके रेडियस को नॉर्मल रेड से हल्का सा करते हैं इतना, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना तो ले लेते हैं ताकि लगे कि हमने यूज़ किया हुआ जो कलर, ठीक है ओके। अब हम इसमें करेंगे इम्बॉस। इम्बॉस में क्या होगा, जो आपकी जो एक्सिस है वो चेंज होंगे। ये देखिए, देख रहे होंगे आप, इसकी जो है कलर काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहा है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया 123 पे। अब कर दिया क्लिक। अब हम करेंगे परस्पेक्ट। परस्पेक्ट में जो है हम इसके जो साइज है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, बट आप इसको टेढ़ा करना चाहें जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसा रखना चाहते हैं तो मैं इसको ऐसे रखूँगा, ठीक है ओके। और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोस्पेक्ट इसकी भी कर दूंगा, ज़्यादा ही हो गया ये, मैं अभी इसे कैंसिल करता हूँ और इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करके हमें करना होगा ऐसे। इसमें थोड़ा सा हमें इसे राउंड करना है, ठीक है कर दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, हमने प्रोस्पेक्ट तक कर लिया है, देन प्रोस्पेक्ट के बाद हम करेंगे 3D रोटेशन। 3D में आप इसे जैसे भी रखना चाहो वैसे आप इसे सेट कर सकते हो, तो मैं इसको ऐसे सेट करना चाहूँगा, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम 3D टैक्स। अब 3D टैक्स में क्या है, जो आपके वर्डिंग है वो आगे उभर जाएंगे और जो आपका बैकग्राउंड है पीछे चला जाएगा। ये देखिए, आप डेप्थ जितना देना चाहें इसका उतना दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डेप देना सही नहीं लगता मेरे को, तो मैं नॉर्मल, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। डार्कनेस आप जितना देना चाहें इसे, कि आपको जो है शैडो में कितना डार्कनेस चाहिए, तो मैं इसको रखूँगा नॉर्मल ही, ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा मैं इसे। और बाकी रोटेशन है आपका, रोटेशन किस एक्सिस पे कितना लेना चाहते हैं आप, तो वो आप यहाँ से सेट कर लें। यहाँ पर आपकी ओवरऑल सेटिंग दिख जाता है, जितना भी आप जो भी करना चाहते हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैं करता हूँ ओके। अब यहाँ पे आप चाहे तो 3D शैडो भी लगा सकते हैं, जो नीचे की तरफ आपको एक शैडो शो करेगा, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक ही यूज़ किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब आप चाहे तो रिफ्लेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं नीचे के साइड, या फिर आप चाहे तो इसको मूव करवा सकते हैं, नीचे आपको कितना चाहिए ऊपर आपको कितना चाहिए रिफ्लेक्शन, तो उसे भी आप देख सकते हैं। बाकी मुझे ये उतना बेटर नहीं लग रहा है रिफ्लेक्शन, सो मैं इसको नहीं रखूँगा, आप चाहें तो इसे रख सकते हैं। ये देखिए, इसको आप जैसे यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो इसको नहीं करने वाला, सो मैंने इसको कर दिया कैंसिल। अब हम इस वर्ड को सेट करेंगे, देखिए मैं इसको लाता हूँ यहाँ पे सेंटर में, और इसको इसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस पर कुछ कलर्स यूज़ करने, तो अगर येलो है तो येलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, शैडो स्ट्रोक यूज़ करेंगे, तो स्ट्रोक में मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ फुल ब्लैक, नॉर्मल रखते हैं इतना, ठीक है। अब ब्लैक के साथ हमें यूज़ क्या करना है, शैडो। शैडो में आप जो चाहें वो दे सकते हैं इसका, तो मैं ये वाला शैडो दे के ब्लर रेडियस ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ठीक है। आउटर ग्लो
तो आउटर ग्लो के लिए सही नहीं लगेगा कलर, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, अब हम जाएंगे इम्बॉस पे। इम्बॉस पे हम नॉर्मली ये कर लिया सेट 57। 3D रोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और ये 3D रोटेशन जो है काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप कर देते हैं तो ये ओके, ये साइज़। उसके बाद 3D टैक्स, ताकि जो है आपका कलर जो है 3D में दिखे। आप जितना लेना चाहें उतना आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो ऑटो। तो मैं इसमें कोई कलर मेरे को उतना बेस्ट, ओके ब्लैक सही है। ठीक है, 3D शैडो यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। तो ये हो गया हमारा जो है लोगो। आप चाहें इसमें पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपको जाना है ये प्लस के निशान पे और फ्रॉम गैलरी, और गैलरी में जाने के बाद आपका जहाँ भी पिक्चर है ये देखिए, यहाँ से हम आएंगे नीचे गैलरी में, और गैलरी से आप अपने पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ भी। ये देखिए मैंने काफ़ी सारे कैनवास से भी तैयार किए हुए हैं और वीडियो के ग्रिफ भी तैयार कर रखा है, मैं इसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगा। ठीक है, तो पिक्चर में जो कैप्चर कर रखा है आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। बाकी मेरे को ये लोगो इतना ही चाहिए, तो मैं इसको इतना ही क्या करूँगा यहाँ से इम्पोर्ट कर लूँगा। तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको करना है सेव एज इमेज। मैं इसको करूँगा अल्ट्रा, ताकि अल्ट्रा या आप कस्टम कर सकते हैं जो भी चाहें, तो कस्टम भी ठीक है अल्ट्रा भी ठीक है। मैंने इसको कर लिया सेव। तो हमारा जो है लोगो इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं सिंपली जाऊँगा यूट्यूब के ऊपर, और मैंने किया ये नेट ऑन, और नेट ऑन कर रखे रिट्राई, और आपको सिंपली जैसे आपका यूट्यूब ऐसे आता है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है योर चैनल। चैनल के ऊपर आने के बाद ये सेटिंग का निशान दिख रहा है, इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कैमरे का निशान, इस पर करना है क्लिक, और जाना है चूज़ योर फोटो। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है मेरा फोटो जो है, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। इस तरीके मैंने इसे सेट कर लिया है, और अब मैं कर रहा हूँ इसे सेव। तो सेव करते ही आपके जो है फ़ोन में सेव हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये सेव हो रहा है, इसे कुछ टाइम लग जाएगा मे बी अकॉर्डिंग टू स्पीड, और स्पीड में कमरे के अंदर हूँ बिल्कुल बैठा हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड का नेटवर्क प्रॉब्लम है, बट ये हो चुका है सेट। तो ये देखिए अब हम अगर इसको ऐसे क्लिक करके देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे चैनल, तो यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है बट इसे अब करना चाहिए योर चैनल। तो अब देखिए यहाँ से जो है मेरा यहाँ पे लोगो आ चुका है, और बहुत ही प्रोफेशनल मेरी जो है यूट्यूब चैनल लग रहा है, मतलब माइंड ब्लोइंग। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।